नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है अक्ल का धनी। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक राज्य का राजा बड़ा सनकी था। उसे रोज नई कहानी सुनने की लत थी। शहर भर से किस्से कहानी सुनाने वाले आते और उसे रोज नए नए किस्से कहानी सुनाया करते थे। बदले में राजा उन्हें इनाम देता। एक बार राजा को लंबी कहानी सुनने की सनक सवार हो गई। उसने शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी उसे लंबी कहानी सुनाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, मगर जिसकी कहानी पसंद नहीं आएगी उसे एक माह के लिए जेल की हवा खानी होगी। यह सुनकर देश विदेश के बहुत बड़े बड़े और धुरंधर कहानीकार आ गए और उन्होंने राजा को लंबी लंबी कहानियां सुनाई, मगर हर कहानी सुनने के बाद राजा कह देता, नहीं, यह कहानी तो बहुत छोटी है और अच्छी नहीं है। दरअसल कहानियां तो खूब लंबी और मजेदार थीं, किंतु राजा ने सोचा कि कहानी तो सुन ली, अब इनाम देने का क्या लाभ। राजा इनाम नहीं देना चाहता था। इस प्रकार कई कहानीकारों को उसने कारागार में डलवा दिया। उसी राज्य में एक गरीब किसान का पट्टू नामक लड़का भी रहता था। वह बड़ा समझदार था। लोगों की बातें सुनकर वह समझ गया कि राजा जानबूझकर हर कहानी को छोटा बताकर इनाम देने से बच जाता है। अतः उसने सोचा कि वह राजा को कहानी सुनाने जाएगा और ऐसी कहानी सुनाएगा जो कभी खत्म नहीं होगी। वह राजा के महल में गया और दीवान के पास जाकर अपना नाम लिखवा दिया। तुम्हें महाराज की शर्त मालूम है ना? दीवान ने कहा, अगर कहानी अच्छी और लंबी ना हुई तो जेल की हवा खानी होगी, और अगर महाराज कहेंगे कि मेरी कहानी खूब लंबी है तो मैं मनचाहा इनाम दूंगा। पट्टू ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, दीवान ने कुटिलता से मुस्कुराकर कहा। फिर उसने शर्तनामे पर हस्ताक्षर करवा लिए। दूसरे दिन कहानी सुनाने का समय तय हुआ। हर बार की तरह सभी दरबारी और कुछ प्रजाजन महाराज के महल में एकत्रित हुए और फिर पट्टू की कहानी शुरू हुई। सभी को विश्वास था कि पट्टू का भी कुछ देर में वही हाल होगा जो पहले आए कहानीकारों का हुआ है, यानी वह भी कुछ देर बाद कारागार में पड़ा दिखाई देगा। मगर पट्टू भी बड़ा सूझबूझ वाला था। वह भी राजा के लिए ऐसी कहानी छाट कर लाया था कि उसे सुनते सुनते राजा उकता जाता। पट्टू, क्या तुम कहानी सुनाने को तैयार हो? राजा ने पूछा। जी महाराज, तो सुनाओ। आदेश पाते ही पट्टू ने कहानी सुनानी शुरू की। महाराज, एक गांव में एक किसान था। उसका बहुत बड़ा खेत था। उसमें ज्वार बोई हुई थी। खेत के पास ही एक पेड़ पर हजारों शैतान चिड़िया रहती थीं, जो किसान के खेत में बीज खा लिया करती थीं। एक दिन किसान ने सोचा कि मैं अपने खेत की रखवाली खुद करूंगा और जब चिड़ियों का झुंड आएगा तो जाल डालकर पकड़ लूंगा। मगर महाराज, चिड़िया भी बड़ी चालाक थीं। वे उसकी चाल समझ गईं और उन्होंने एक योजना बनाई। उसी योजना के तहत एक चिड़िया खेत में आई। उसने बीज चुगा और उड़ गई फुर्र से। फिर महाराज ने उत्सुकता से पूछा। फिर दूसरी चिड़िया आई, उसने भी बीज चुगा और उड़ गई फुर्र से। फिर तीसरी चिड़िया आई, उसने भी बीज चुगा और उड़ गई फुर्र से। फिर राजा ने उबासी ली। फिर चौथी आई, उसने भी बीज चुगा और उड़ गई फुर्र से। फिर
फिर पांचवी आई, वो भी उड़ गई फुर्र से। ठीक है, आगे क्या हुआ? अभी पहले सारी चिड़ियों को आने दे महाराज, कहानी तभी आगे बढ़ेगी। फिर छठी आई, वो भी उड़ गई फुर्र से। ठीक है, उसकी फुर फुर से उकताकर राजा बोला, अब फुर फुर ही करते रहोगे? चलो मान लिया कि सारी चिड़िया आई और उड़ गई फुर्र से। नहीं महाराज, सारी चिड़िया अभी नहीं आएंगी, एक एक करके आएंगी, हजारों चिड़िया हैं। सातवीं आई और वो भी उड़ गई फुर्र से। अब राजा उसकी चतुराई समझ गया कि यह महीनों फुर्र फुर्र करके चिड़िया उड़ाता रहेगा और ये कहानी कभी खत्म नहीं होगी। मैं इसे दंड भी नहीं दे सकता, सचमुच पट्टू बहुत समझदार लड़का है, इसलिए इसकी कहानी सबसे लंबी बताकर इसे मुंह मांगा इनाम देने में ही भलाई है। यह सोचकर महाराज ने कहा, अरे भाई पट्टू, अब तू ये अपनी फुर्र फुर्र बंद कर। मैं समझ गया कि तेरी कहानी सबसे लंबी है, अब तू बोल कि क्या इनाम चाहता है। महाराज, मेरा इनाम यही होगा कि आप कारागार में पड़े सभी कहानीकारों को रिहा कर दें और उन्हें इनाम देकर विदा करें। महाराज, किसी कलाकार को बिना कारण सताना या दंडित करने से राजलक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और जहाँ ऐसा होता है वहाँ का राज्य और राजा दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे राज्य पर ऐसी विविधा ना आए। पट्टू की बात सुनकर राजा न केवल प्रभावित हुआ बल्कि अपनी करनी पर शर्मिंदा भी हुआ। उसके किसी मंत्री ने उसे ऐसी सलाह नहीं दी थी। इसका मतलब वे सभी चापलूस हैं और मेरी हाँ में हाँ मिलाते हैं। मंत्री का कर्तव्य है कि राजा को उचित सलाह दे, मगर ये काम इस गरीब पट्टू ने किया। राजा ने कहा, पट्टू, हम वचन देते हैं कि सभी कलाकारों को छोड़ दिया जाएगा, मगर तुमने अपने लिए तो कुछ मांगा ही नहीं। महाराज, हमारे राज में खुशहाली रहे, आपका यश बढ़े, यही मेरा इनाम होगा। वाह पट्टू वाह, हम खुश हुए। तुम जैसे समझदार व्यक्ति को तो हमारा सहायक होना चाहिए। पट्टू, तुम आयु में छोटे अवश्य हो, किंतु सच्चे और देशभक्त हो। हम इसी समय तुम्हें अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। इस प्रकार वह गरीब पट्टू अपनी सूझबूझ, साहस और सत्य के बल पर राज्य का प्रधानमंत्री बन गया। इसीलिए कहा जाता है कि सत्य कहने से नहीं डरना चाहिए और कैसी भी परिस्थिति हो सूझबूझ से काम लेना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।